हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और बहुत मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मेरी कई सारी ऐसी बहनें हैं, बड़ी दीदी और छोटी बहनें हैं, जो मेरे बारे में बहुत सी बातें हैं जो वो जानना चाहती हैं। बहुत से उनके मन में सवाल हैं जो वो जानना चाहती हैं। और सोच रहे होंगे पेन लेके क्यों बैठी हूँ, तो पेन लेके इसलिए बैठी हूँ। मैंने सारा जो है ना एक डायरी में नोट किया है। जो कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि आप यहाँ मैसेज करो, जो भी आपके सवाल हैं उनका मैं जवाब दूंगी। तो एक एक करके मैं ब्लॉग में क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, बट उससे बहुत ज़्यादा आप लोग को वेट करना पड़ जा रहा था। और इसके बाद तीज त्यौहार वगैरह सब पड़ गया, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाई, मैं उसमें बिज़ी हो गई। तो फाइनली अब मैंने सोचा है कि मैं इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। अगर इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें बाकी सारे सवालों का आंसर मैं दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके पिक करना शुरू करती हूँ आपके क्वेश्चन। और वीडियो कहीं भी ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की और सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, और बहुत से जो ऐसे ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में होते हैं ना, तो उसके सारे जवाब यहाँ आज आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे ही तरह एक यूट्यूबर हैं, चेतना ब्लॉग्स जी करके, और वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही हैं। तो उनका पहला सवाल ये है कि छोटी छोटी परेशानियों में मैं परेशान क्यों हो जाती हूँ। तो डियर, ऐसा है ना कि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फ़ेस किए हैं अपने लाइफ में, इतनी सारी परेशानियाँ फ़ेस की हैं। इस वजह से अगर छोटी सी भी परेशानी आती है ना, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ये छोटी सी परेशानी बड़ी ना हो जाए और मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ जाए। दैट्स व्हाई मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, इतना मैं अपसेट से हो जाती हूँ। अगर छोटी सी भी कोई भी बात हो जाती है तो दिल पर लग जाती है, क्योंकि इतना कुछ झेला लाइफ में मैंने। और इसके बाद सेकंड इनका क्वेश्चन है कि कौन सा काजल यूज़ करती हूँ मैं ना कोई भी काजल यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ब्रांडेड यूज़ करूँ या कुछ भी यूज़ करूँ। फिलहाल अभी जो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ वो एडीएस का काजल है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी भी मेरे आँख में वही काजल लगा हुआ है। और इसके बाद हमारी एंजल सिंह पूछती हैं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो डियर, मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ इंटर तक ही पढ़ाई की है। इसके बाद मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है 6 मंथ का, और मेकअप वगैरह जो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ उसी वजह से कर लेती हूँ। मैंने कभी किसी पर ट्राई नहीं किया था मेकअप। कोर्स करने के बाद ही मेरी मैरिज हो गई थी, शादी हो गई थी, तो इसके बाद मैंने किसी पर ट्राई नहीं किया था। बट अपने से थोड़ा बहुत जो करती हूँ कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है उसमें। और इसके बाद हमारी वर्तिका सिंह पूछती हैं कि आपके पति क्या काम करते हैं। वर्तिका सिंह जी, मेरे हस्बैंड कि बहुत छोटी सी जॉब है, वो मॉल में जॉब करते। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो मॉल में जॉब करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। डियर, वो मॉल में जॉब करते हैं, बट मॉल की मॉल की एक शॉप है पेंटालूंस करके, उसमें वो जॉब करते हैं हाउसकीपिंग का। और बहुत छोटी सी जॉब होती है हाउसकीपिंग, मतलब जो वहाँ पर अरेंजमेंट करनी होती है या फिर कोई भी क्लीनिंग वगैरह होती है, वो सब काम वो करते हैं। छोटी सी जॉब है उनकी। और इसके बाद बोल रही हैं श्वेता शर्मा जी कि बालों का ख्याल कैसे रखते हो। डियर, बालों का ख्याल रखने का कोई भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा है। मतलब मेरे बाल शुरू से ही अच्छे रहे हैं, बस ग्रोथ नहीं हो रही थी, लंबे नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे मम्मी और मेरे काफ़ी लोगों के बाल ना शुरू से अच्छे रहे हैं, तो मेरे भी बाल की ग्रोथ अच्छी, ग्रोथ मतलब क्या, घने शुरू से रहे हैं, बस ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसके लिए मैंने नारियल का तेल यूज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे बालों को ग्रोथ कराने में। तो नारियल तेल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और इसके बाद हमारी अन्नू सिंह जी पूछती हैं कि ससुराल मायके में कौन कौन है और सास ससुर को क्या हुआ था। हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरे ससुराल में
मेरे सास ससुर नहीं है, ना ही मेरी कोई ननंद है, ना ही मेरे कोई जेठ जेठानी है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। हाँ, लेकिन मेरे ससुराल में मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं, चाचा चाची हैं, वो लोग लखनऊ में रहते हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा यहीं रहते हैं, जो कि उतना मुझसे मतलब नहीं रखते हैं। मेरे हस्बैंड से मतलब रखते हैं बट मुझसे उतना मतलब नहीं रखते हैं, तो मैं भी उतना मतलब नहीं रखती हूँ। और किसी के ताने वगैरह सुन के, किसी के कुछ भी कड़वी बातें सुन के अगर मैं रहूँ अपनी इज्जत घटा के, तो वो भी मुझे सही नहीं लगा, तो मैं भी उतना मतलब नहीं रखती हूँ। और कहने को तो है इतने लोग ससुराल में मेरे, और ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब मेरे खुद के सास ससुर नहीं हैं। होते तो शायद मेरी कोई और ही अहमियत होती और शायद मुझे इतना दुखों को झेलना ना पड़ता, वो सब हैंडल कर लेते। और मेरे मायके में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे सिस्टर हैं, मेरे मामा मामी हैं, मेरे तीन मामा हैं, तीन मामियाँ हैं, मेरी मौसी हैं, तो मेरे मायके में इतने लोग हैं। मेरी नानी नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी कुछ ही दिन अभी हुआ है, कुछ ही दिन क्या, मेरी शादी के बाद ही हुई थी, कुछ ही 3 साल हो गया आई थिंक। और इसके बाद उन्होंने पूछा है कि मेरे सास ससुर को हुआ क्या था। तो डियर, हमारे फैमिली में मतलब मेरे ससुराल में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती आ रही है हार्ट अटैक की। तो मेरी मतलब मेरे हस्बैंड के जो दादाजी थे उनको भी अटैक ही आया था, मेरे जो दादी थी हस्बैंड की उनको भी अटैक आया था, मेरे ससुर जी को भी अटैक आया था, और सासू माँ जो है उनको भी अटैक ही आया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम इस फैमिली में हमारे ससुराल में चलती है कि मतलब अटैक की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ही सबके साथ हुआ था और सब बहुत ही जल्दी जल्दी सबकी डेथ हो गई, उम्र भी नहीं थी फिर भी डेथ हो गई अटैक आने से। और इसके बाद हमारी वी वंधवा पूछती हैं कि आपके शादी को कितने साल हो गए हैं और आप बेबी प्लान कब कर रहे हो। तो डियर, मेरी शादी को तो 4 साल हो गए हैं और बेबी प्लान यार देखो कौन नहीं करना चाहता, लाइफ में हर कोई चाहता है कि फैमिली आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, हम लोग भी चाहते हैं, मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। बट यार हम लोगों ने कुछ सोचा है इसके विषय में, मतलब ये सोचा है कि जब तक हम लोग की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं अच्छी हो जाती है तब तक हम लोग बेबी प्लान नहीं करेंगे। हम लोग खुद इतना कष्ट झेल रहे हैं, इतना दुख झेल रहे हैं, कैसे तैसे करके घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं इधर उधर से, तो फिर जब बेबी आ जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। तो इसलिए जो है अभी हम लोग बेबी प्लानिंग का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, जब तक कि हम लोग पूरी तरह से फाइनेंशियल मजबूत ना हो जाएं, उसकी जिम्मेदारी उठाने लायक ना बन जाए, तब तक हम लोग इस बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। क्लियर जवाब मैं आपको दे देती हूँ। बहुत लोग इस क्वेश्चन को सोचते होंगे मेरी ब्लॉग देख के कि इनकी बेबी क्यों नहीं दिखता है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया है और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं सही हूँ कि जब तक हम किसी एक जान को प्रॉपर लाइफ नहीं दे सकते हैं, तब तक उसे लाइफ दुनिया में लाने का क्या मतलब है झेलने के लिए। सही बात है कि नहीं बताना। और सारिका अजरिका पूछती हैं, कोई बैड मैसेज करता है तो कैसा लगता है। तो डियर, कोई बैड मैसेज करता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे हर एक इंसान को बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन कभी कभी मैं जो हूँ जवाब दे देती हूँ और कभी कभी सिर्फ सुन के बैठ जाती हूँ, कभी कभी बहुत स्वीटली जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत, ऐसा मानना है कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उनकी जो सोच होगी, उनको जो लगता है, उनको जो दिखता है दूसरे पर्सन को, वो बोल देते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बुरा तो लगता है यार थोड़ा सा, क्योंकि इंसान तो मैं भी हूँ, दिल मेरा भी है और दुखता भी है दिल मेरा। और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुकिंग ब्लॉग्स पूछती हैं, आप हमेशा सैड क्यों रहते हो। कुकिंग ब्लॉग्स जी, मैं सैड नहीं रहूँ तो मैं क्या करूँ यार, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मैंने बचपन से ही प्रॉब्लम फेस किया है। छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं तरसी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं तरसी हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, मतलब कि समझ लो मेरे पापा इतने ईमानदार थे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कमाई नहीं थी उनकी, बीमारी करके कभी उन्होंने कमाना नहीं सीखा, तो ईमानदारी की वजह से ना बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी उनकी, और जो हम लोग की ज़रूरतें थी ना वो इधर उधर से मतलब मामा मामी नाना नानी ऐसे पूरी हो जाती थी।
थोड़ी बहुत, और जो बहुत सारे शौक अरमान जो होते हैं ना, वो शादी से पहले भी पूरे नहीं हुए हैं और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं नहीं पूरे हो रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे कि आपका अपना खुद का इतना बड़ा मकान है तो आप कहाँ से गरीब हो। डियर, मकान है ठीक है, मैं रह रही हूँ ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, फेस कर रही हूँ, वो भी तो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं मेरे लिए, वो भी तो आप देखो। मकान यार, मकान से खाना नहीं आता है, मकान से शौक नहीं पूरे होते हैं, मकान से जो है सेहत की और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही वो दूर नहीं होती। हाँ, ये आप कह सकते हो कि एक छत है जिसके नीचे मैं रह सकती हूँ, उस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ, बट मकान हर ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता है। तो मैं इसीलिए सैड रहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है और कर भी रही हूँ अपनी लाइफ में। और इसके बाद रविंद्र दीक्षित कह रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, एकदम मुझे बहन जैसा प्यार करते हैं, कि किसी की बातों में आके आप नर्वस क्यों हो जाते हो। तो मैं ना शुरू से ऐसे रही हूँ रविंद्र भाई जी, कि मैं ना बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। अगर कोई मुझे कुछ भी बोल देता है ना, एकदम मैं दिल पे ले लेती हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। ये मेरा स्वभाव है, आप इसको मेरा स्वभाव कह सकते हो, कि मेरी शुरू से ये आदत है कि मुझे कोई कुछ कह देता है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और सोच के इतना ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यशी मिश्रा कह रही हैं, पति क्या करते हैं, इंस्टा चलाते हो। डिया, मैंने पहले ही बता दिया, मेरे हस्बैंड मॉल के एक छोटे से शॉप में जॉब करते हैं हाउसकीपिंग का। और जी, मैं इंस्टा पे हूँ बट मैं उतना चलाती नहीं हूँ, मैं इंस्टा पे उतना ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, बस मैंने आईडी बना के छोड़ रखी है। और आयशा तिवारी कह रही हैं, ससुराल में कौन कौन है। मैंने बता दिया डियर, ससुराल में कौन कौन है आपको, और कितने स्टडी किए हैं, इंटर तक पढ़ाई की है, ये भी बता दिया। और लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो डियर मेरी अरेंज मैरिज है, मेरे परिवार वालों ने देख के सब शादी कराई थी, अरेंज मैरिज ही मेरी हुई है। और मकान किराए का है या खुद का है, तो मकान हम लोग का खुद का है, दादाजी ने बनवाया था मकान। और यूट्यूब को ही क्यों चुना, और यूट्यूबर बनने में तो बहुत मेहनत लगती है, कोई और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं चुना आपने। आपने सच कहा, यूट्यूबर बनने में बहुत मेहनत लगती है डियर, और मैंने यूट्यूब को इसलिए चुना क्योंकि मेरा घर ना ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं जॉब कर सकूँ। हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं जॉब करने के यहाँ पे, बट उतनी सैलरी नहीं है, बहुत कम सैलरी है। और जहाँ पे अच्छी लोकेशन है, अच्छी स्कूल वगैरह है या पार्लर वगैरह है, तो वो ना मेरे घर से 1-1.5 घंटे की दूरी पे पड़ता है। तो जितने में मैं वहाँ पे पहुँचूँगी टैक्सी करके या फिर मैं इनकी बाइक से जाऊँ, तो जितने में पेट्रोल जाएगा, जितने में टैक्सी जाएगी, उतने में तो मेरी सैलरी पूरी ही चली जाएगी, तो मेरे पास बचेगा ही क्या। एक ये ऑप्शन है कि जिस वजह से मैं नहीं करती हूँ जॉब जाके, और दूसरा ये है कि अगर मैं चली जाऊँगी तो घर की देखभाल कौन करेगा, घर भी तो देखने वाला होना चाहिए, खाना पीना इनका सब कुछ कौन देखेगा। तो इसलिए मैं नहीं जॉब करती हूँ। मम्मी मेरी उतनी सेहतमंद नहीं है कि कर पाएँ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, छट्टी वाले मम्मी मेरी उतनी तंदुरुस्त नहीं है, वो उनके आए दिन कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो वो उतना नहीं कर सकती हैं, तो मुझे इसीलिए जॉब मैं नहीं कर रही हूँ। और प्लस जो मेरे ससुराल वालों से ना इतनी परमिशन भी नहीं है कि मैं बाहर जाके कोई जॉब वगैरह करूँ, तो मैं उस चीज़ को भी नहीं इग्नोर करना चाहती। जब उनकी परमिशन नहीं है तो मैं कैसे कोई जॉब कर लूँ, फिर बवाल होगा, क्या फ़ायदा। तो मुझे ये YouTube ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा कि मैं घर बैठे आराम से जो अपने डेली के काम कर रही हूँ वही शेयर करके अपना काम कर सकती हूँ। हाँ, आपने ये चीज़ तो बहुत सही कही कि इस पर मेहनत बहुत है, क्योंकि मुझे ना YouTube पे काफ़ी टाइम हो गया है, यूट्यूब पे बताती हूँ भी, एक क्वेश्चन ये भी आएगा क्योंकि। तो इसके बाद हमारे मनोज वाजपेयी पूछ रहे हैं कि फेवरेट रंग क्या है, रेड है मेरा फेवरेट कलर। फेवरेट फूड क्या है, मुझे जो है समोसा और फुल्की बहुत पसंद है। प्लेस कौन सी है फेवरेट, कश्मीर मेरी बहुत फेवरेट प्लेस है। एक्ट्रेस कौन है आपके फेवरेट, शाहिद कपूर है और कैटरीना कैफ है। और कौन सा गेम आप पसंद करते हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा कैरम पसंद आता है खेलना।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी अपनी प्यारी सिस जानवी पिटाली जी का। ये कहती हैं कि यूट्यूब पर कब से हो आप, तो ये है मेरा जो जिसका जवाब मैं देती हूँ। तो यूट्यूब पे मैं ना काफ़ी टाइम से हूँ, मुझे 2.5 साल होने वाला है यूट्यूब पे। और आप लोग मेरे चैनल के अबाउट में अब जाओगे, चेक करोगे, कहोगे कि झूठ बोल रही है, 2.5 साल नहीं होना। तो डियर 2.5 साल ऐसे होने वाला है कि पहले मेरा एक और चैनल था इंडियन यूट्यूबर अंबिका करके, जिस पर मुझे फजूल में स्ट्राइक दे दी गई थी। और मेरा गलती कि मुझे स्ट्राइक दे दी गई थी, एक यूट्यूबर हैं जिनके बारे में लोग बहुत बुरा बुरा बोल के वीडियो बना रहे थे, मेरे वीडियोस पे आके मैसेज करते थे कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, उन पे तुम वीडियो बनाओ, उन पे तुम वीडियो बनाओ। तो उनके लिए मैंने अच्छा बोल के एक वीडियो बना दिया कि किसी के बारे में कुछ भी बोलना बहुत गलत बात होती है। तो उन्होंने मेरी वीडियो खोल के नहीं देखी, बस अपना थंबनेल देख के उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दी थी। और फिर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिजूल की मैं सबकी वीडियो खोल के देखूँ। और फिर उन्होंने मेरी स्ट्राइक वापस भी नहीं ली। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत कुछ किया। उस चैनल पे मैंने 2 साल मेहनत की थी, 1 साल लगा था मुझे उस चैनल को मोनेटाइज कराने में, और 1 साल लगा था मुझे थोड़े से व्यूज़ पाने में उसमें। तो वो चैनल जो है चला गया था मेरा। फिर इसके बाद मैंने ये वाला चैनल शुरू किया है, तो आप लोग की दुआ से ये बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया है। तो इसीलिए मुझे 2.5 साल हो चुके हैं YT पे। और आईफोन यूज़ किया है? कभी नहीं यूज़ किया यार। आपको लगता है मैंने कभी आईफोन यूज़ किया होगा? स्कूल में लव किया था, यस, बस इतना सुन लो, यस, बाकी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और चाइल्डहुड पिक, डियर मैं चाइल्डहुड जो है ना बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, बट मिला नहीं मुझे। जैसे ही मिलेगा मैं शेयर कर दूँगी, सॉरी। और आपने बुरे मैसेज पढ़ के दिल छोटा किया है? हाँ यार, बहुत दुखी तो होते हो जाते हैं यार, क्या करें। और कौन से सब्जेक्ट में तेज़ थी? मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, तो मैं आर्ट में ही ज़्यादा तेज़ थी, और आर्ट से ही मैंने हाई स्कूल इंटर भी किया है। यूट्यूब DP क्या शादी की है? नहीं डिया, ये शादी की नहीं है, अभी तीज आया था ना, तो तीज का इतवार मैंने किया था, तब की ये DP है। तीज पे मैं ऐसे तैयार हुई थी और तभी मुझे स्ट्राइक आई, तभी मेरा पहला चैनल गया था तीज पे ही। तो मैंने सबके सवालों के जवाब इसी ब्लॉग में दे दिए हैं। किसी का कोई सवाल अगर रह गया है, कुछ ना कुछ और मन में है सवाल, तो वो भी मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। और मन बहुत भारी भारी सा हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए ना कि मन इसलिए थोड़ा सा भारी हो गया है। तो अभी करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना मेरे बारे में, इतने करीब से मुझे जान के कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टाटा।